तो सिद्धांति ने कहा तो कर्म ही नहीं है, जो ज्ञानी के शरीर से लोक संग्रह के लिए जैसा हुआ करता है वैसे ज्ञानी के शरीर से प्रवृत्ति यदि दिखाई भी देता हो वह कर्मणि प्रवृत्तस्य न बुद्धे समुच्चयात्। जिसको लेकर के आप, जिन कर्मों को लेकर के आप ज्ञान के साथ समुच्चय करना चाहते हैं। इसमें दृष्टांत यथा भगवतो वासुदेव से क्षात्र धर्म चेष्टितम न ज्ञान समुच्चयते पुरुषार्थ सिद्धे तद्वत् तत्फलाभिसंधि अहंकार अभावस्य तुल्यत्वात् विदुषः। जिस प्रकार से भगवान वासुदेव भी अपने क्षात्र धर्मों को चेष्टित कर रहा है, कर्मों को चेष्टित करता है, लेकिन उसके अपने कर्म का उसे ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता, उसी पुरुषार्थ सिद्धि के लिए ज्ञान के द्वारा उसको समुच्चय नहीं है। उसी प्रकार तद्वदेव तत्फलाभिसंधि अहंकार अभावस्य, भाष्यकार यहां जोड़ रहे हैं केवल फलाभिसंधि अभावस्य नहीं, तत्फलाभिसंधि अहंकार अभावस्य। कल यही चर्चा हो रही थी ना ईगो का, इसके भाष्यकार बहुत जगह ही बोलते हैं, इसलिए हम भी बहुत जोर देते हैं, लेकिन लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। तो कर्मफल त्याग दिया हो गया, अरे कर्मफल त्यागने से नहीं, भाष्यकार क्यों जोर दे रहे हैं? फिर प्रकरण ग्रंथों में भी ऐसे कई बार बोलते हैं, क्योंकि सबसे सूक्ष्म तत्व मन से भी सूक्ष्म, बुद्धि से भी सूक्ष्म कौन है? अहंकार। इसलिए कहते हैं फलाभिसंधि अहंकार अभावस्य तुल्यत्वात् विदुषोपि ज्ञानेन कर्म समुच्चय न स्याद् यथा वासुदेवस्य। क्यों? वो भी समझा दे रहे हैं, क्योंकि तत्ववित्तो नाहं करोमि इति मन्यते न च तत्फलम अभिसंधत्ते, कि तत्ववेत्ता जो है नाहम करो में ऐसा ही मानता है और उन कर्म फलों का अनुसंधान भी नहीं करता। न च तत्फलम अभिसंधत्ते, यह बात केवल तत्ववेत्ता को ही नहीं, ये बात मैंने कई बार बोल चुका हूं, जो यहां है देखिए भाष्य में, कोई व्यक्ति रागत ही प्रवृत्त हुआ है, फलाभिसंधि से प्रवृत्त हुआ कर्मकांड में, जैसे अर्जुन राजस्व को लोभ न प्रवृत्त हुआ, बीच में भगवान की प्रेरणा से उसके अंदर वैराग्य हुआ और वैराग्य शोक पूर्ण वैराग्य है, विलक्षण है, तो उसी प्रेरणा यहां किसी को हो गया, किसे आदमी को? स्वर्गादि कामार्थिनो अग्निहोत्रादि काम साधन अनुष्ठानाय आहिताग्नेः काम्य एव अग्निहोत्रादि प्रवृत्तस्य। आदमी कैसा है उसका विशेषण दे रहे हैं कि स्वर्गादि कामार्थिनः, स्वर्गादि कामना करने वाला है, और कैसा है? स्वर्गादि कामना करने से होता नहीं है, वो आहिताग्नि भी है, अर्थात इसका बेटा पैदा हो गया है और सारे बाल काले भी थे, इसे से अग्नि का आधान किया हुआ है, वही आहिताग्नि कहेंगे। जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में गया है और प्रथम उसको भाग्यवशात पुत्र प्राप्त हो गया और जब पुत्र उत्पन्न हुआ तब उसका समस्त केश जात पुत्र कृष्ण केश अग्निनादित ब्राह्मणे वसंते, ब्राह्मण कैसा है? ब्राह्मणों वसंते, राजन्य ग्रीष्मे और शरदी वैश्य, ये विधि के आधार पर उसने ब्राह्मण होने के नाते अग्नि का आधान कर लिया, अन्य ब्राह्मण को बुला करके श्रौत अग्नि को उसने प्राप्त किया, अन्य अग्निहोत्रियों को बुला करके, नियम में कम से कम 11 अग्निहोत्र को बुलाना पड़ता है, वो 11 अग्निहोत्र मिलकर के उसको अग्निहोत्र बना के देंगे, अग्नि स्थापन करके देंगे, वो आहित अग्नि उस हो गया मेन अग्नि बना दिया उसने, उस समय आहवनी अग्नि बन गया, उससे ही दाक्षिणाग्नि बना लेंगे, फिर गारेपत्य बना लेंगे, श्रौत अग्नि तीन मिल जाता है। ना वो तो नहीं 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 नहीं, नहीं। फिर ये विधि क्या हो गया? जात पुत्र कृष्ण केशी विवाह होते वक्त क्या जात पुत्र रह गया? वो अग्नि नहीं 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 वो भी स्वार्थ अग्नि है। उपनयन संस्कार में जिस प्रकार से आपको स्मार्त अग्नि मिलता है नित्य होम करने के लिए, विवाह के बाद भी स्मार्त अग्नि मिलता है, अग्नि वो श्रौता अग्नि नहीं है,
वो भी स्मार्त अग्नि है। श्रौत अग्नि का अग्नि आधान का नियम ही है ना, जात पुत्र कृष्ण केशव कंडीशन है। इसे विवाह काल में कैसे मिल जाएगा, या तो पहले बेटा पैदा करे बाद में शादी करे, तो बच्चा पैदा होने तक ना कर ही नहीं सकता कोई भी गृहस्थ, ब्राह्मण क्षेत्र में कोई भी नहीं कर सकते, आहिताग्नि है ही नहीं, वो कैसे कर देगा अग्निहोत्र। तब भी वो नित्य होम करेगा, जो उपनयन संस्कार समय से उपनयन होम करते आ रहा है वही होम करेगा, लेकिन उस होम में कुछ एडिशन हो जाता है पत्नी के कारण, वो सिखा दिया जाता है वहां, वो आहुतियां सिखा देते हैं उसको, ताकि अब तुम एक नहीं हो दो हो गए हो, पहले तुम दो पैरों की चिड़िया थे अब चार पैरों पैरों के प्राणी हो गए हो, इसीलिए अब तुमको ज्यादा हवन देना करना पड़ेगा। तो जैसे चिड़िया थे उड़ते रहते थे ना, दो पैर की चिड़िया उड़ जाते हैं कहीं भी, अब चार पैर का प्राणी उड़ेगा कहाँ दौड़ेगा, वो केवल जमीन पे उड़ नहीं सकता, और चार पैर से छह पैर आठ पैर के हो जाते ही फिर तो हो ही गए काम, कहा था रेलगाड़ी बन गए। तो इसलिए कहते हैं कि देखो वो आहिताग्नि भी है, स्वर्गादि कामार्थ केवल होने से नहीं हुआ ना, स्वर्गादि कामार्थ हो तो अन्य कर्म भी कर सकता है, जो विवाह नहीं करेगा और उसका पुत्र नहीं होएगा, जो आहिताग्नि नहीं हो क्या स्वर्ग की कामना नहीं कर सकता है, वो भी स्वर्ग कामना करेगा, उसके अन्य कर्म है, अन्य कर्मों के द्वारा वो भी स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। इसलिए यहां पर विष्णु जान के दिया स्वर्ग कामार्थी होते हुए भाष्यकार कहते हैं वह आहिताग्नि भी है, अतएव अग्निहोत्र आदि प्रवृत्त हुआ है, अग्निहोत्रादि काम साधन अनुष्ठानाय, अग्निहोत्रादि जो कैसे हैं वो कामनाओं के साधन है, विभिन्न प्रकार के फल का साधन है, उनके अनुष्ठान करने के लिए काम्य एव अग्निहोत्रादो, नित्य अग्निहोत्र नहीं, काम्य एव अग्निहोत्रादो प्रवृत्तस्य प्रवृत्त है पुरुष, प्रवृत्त हो गया संकल्प कर दिया स्वर्ग रूपी फल के लिए मैं अग्निहोत्र कर रहा हूं, काम्य अग्निहोत्र कर्म को आहिताग्नि स्वर्ग कामी पुरुष स्वर्गादि का साधन भूता काम्य अग्निहोत्र को आरंभ कर दिया, करने के बाद करते करते क्या हुआ बीच में सामी कृते, सामी कृते मने अर्धम कृते, सामी अर्धम अव्यय, अव्यय है सामी, उसका अर्थ है अर्धम, अर्धम कृते सदी आधा करने पर विनष्टे पिकामे, कामना क्या होगी उसकी नष्ट हो गई, यत किंचित निमित्त से किसी कारणवश उसको वैराग्य हो गया और स्वर्ग आदि कामनाओं को वो त्यागने का त्याग दिया, विनष्टे पिकामे तदेव अग्निहोत्रादि अनुतिष्ठतोपि न तद काम्यम अग्निहोत्रादि भवति, वह उसी अग्निहोत्र को पूरा कर रहा है तदेव, इसलिए जान बोले कि दूसरा चालू कर दिया उसको आधे में छोड़ दिया, नहीं आधे छोड़ नहीं सकता, तदेव अग्निहोत्रादि अनुतिष्ठतोपि न तत् काम्यम, लेकिन अब वह अग्निहोत्र काम्य नहीं रह गया, तत् अग्निहोत्रादि न काम्यम भवती, बताओ सकाम किया वह कर्म भी यदि पीछे वैराग्य होने के बाद उस कर्म को पूरा करने पर भी वह कर्म अकाम्य हो गया, तो मीमांसा कौन से ऐसे प्रश्न पूछने पर वो एक जवाब देते हैं स्थिति में, तो वह कर्म अब अंतकरण शुद्धि का हेतु हो जाएगा, ये हम लोग भी कहते हैं अंतकरण शुद्धि हेतु हो गया, अतएव जब कर्म का स्वभाव तो नहीं रहा ना, कर्म का स्वभाव कहाँ रह गया, कुछ जो कर्म पहले काम्य था वही कर्म बाद में अकाम्य हो गया, इस कर्म का स्वभाव काम्यता अकाम्यता नहीं है, आपके अधीन है वह कर्म काम्य है अकाम्य है, लेकिन उसके अंगों के बारे में विधि के अधीन हम हैं, किसी भी यज्ञ को हम काम्य नहीं कर सकते, नहीं फिर कहो नित्य यज्ञों को भी काम्य कर दो, ऐसा नहीं होगा, काम्य कर्म जो विधे विधे वेदन विधान कर दिया यह यज्ञ अमुक कामना के योग्य है, कामना का फल प्रदान करने योग्य है, उसको हम काम्य कर्म कहेंगे, लेकिन वह काम्य कर्म की काम्यता तब तक रहती है जब तक हम उसकी कामना करेंगे, जब उस कामना को त्याग दें वही काम कर्म हमारे लिए नित्य कर्मवत्त होकर के अंतर्गण शुद्धि का कारण बन जाता है, तथा जब दर्शयति भगवान, इस बात को भगवान दिखाते भी हैं, कुर्वन्नपि न करोति न लिप्यते इति तत्र तत्र, कुर्वन्नपि करते हुए भी वो अग्निहोत्र को पूरा करते हुए भी वह न करोति न लिप्यते च, वास्तव में अब उसका
काम कर्म कर्तृत्व रूपा करोत्य कर्तृत्व उसके अंदर नहीं रह गया, न करोती, और उसका फल रूपता जो कामना स्वर्ग के साथ उसका कोई लेप संबंध नहीं रह जाता है, न लिप्यत है। इति तत्र तत्र इसी के दृष्टांत में लोग बताते रेलगाड़ी के यात्रा के समान है। आप जब रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, आजकल भी थोड़ा लंबाई दूराई बढ़ा दिया, पहले तो था 500 किलोमीटर के बाद आप यात्रा को बीच में छोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक जर्नी कहते हैं उसको। आप मान लो किसी ट्रेन में बैठे और यहाँ से आप जा रहे हैं बंगलौर तक, और बीच में भोपाल में 500 मीटर क्रॉस हो गया ना, तो उतर गए, वहाँ स्टेशन मास्टर को लिखा देंगे, वो अगला दिन किसी और दिन दिन चार दिन बाद आप जाना चाहेंगे तो आपको फिर वो टिकट दे देगा। लेकिन आपकी जो ये यात्रा थी वो कामना आपने त्याग दिया बेंगलोर को, यात्रा तो चला और वो यात्रा बदल गया अब स्वरूप उसका, अब जहाँ गए हो सकता है वहीं मन लग जाए और आगे जावे ही नहीं, वहीं रह गए भोपाल में, वो कामना ही छूट गया, दोबारा वो यात्रा वो रास्ता भी खत्म हो गया, सारा चीज खत्म और अन्य फल प्राप्ति हो गई। उसी पर यहाँ पर भी चला था कामना को लेकर के उस यात्रा में, वो उसको छोड़ दिया और अन्यत्र चला गया, अंतगण शुद्धि फल मिल गया। उसी का संकेत में कह दिया तत्वित्व नाम करोमी थी, ठीक है। चौदना सूत्रानुसार विदितोनुष्ठेय से कर्मणो धर्मत्वाद व्यापार मात्र से तथात्वभावात् तत्विदश्च वर्णाश्रमाभिमान शून्यस्य अधिकार प्रतिपत्य भावाद यागादि प्रवृत्तीनाम अविद्यालेशतो जायमानानाम कर्माभासत्वात् कुर्याद् विद्यान् इत्यादि वाक्यम न समुच्चय प्रापकम इति भावः। समझाएं बहुत सुंदर ढंग से। यद्यपि चौदना सूत्र मैंने विधि सूत्र कौन मीमांसा दर्शन का चौदना लक्षण अर्थो धर्मः एक सूत्र है, चौदना लक्षण अर्थो धर्मः, जिसकी व्याख्या अर्थ किया वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्मः, ये लक्षण बनाया धर्म का। उस सूत्र में कहे अनुसार विधितो अनुष्ठेयस्य कर्मणो धर्मत्वा, विधि से वेद प्रतिपाद्य विधियों से कहे हुए पदार्थ कर्मों का अनुष्ठेयता अनिष्ठेय से पदा कर्मण धर्मत्वात् वही धर्म होता है। तद व्यापार मात्र से तथात्वभावात्, इसलिए लेकिन तादृश व्यापार मात्र को धर्म नहीं कहा जाएगा। अतएव तत्वविदश्च वर्णाश्रममान शून्यस्य, तत्वविद कैसा है वर्णाश्रम के अभिमान से शून्य है, आज जितने पैदा होते हैं सब तत्वविद ही पैदा हो रहे हैं, ये मानना पड़ेगा ना कि किसके वर्णाश्रम अभिमान तो है ही नहीं है, किसका है वर्णाश्रम का अभिमान, जो पैदा होते हैं सब अपने आप वर्णाश्रमाती संप्रदाय में पैदा हो रहे हैं और अपने आप वर्णातीत मानते हैं, इसलिए वर्णाश्रमाती थे वो तो सर्वे तत्वविदाः भ्रांत तत्वविदाः कहना पड़ेगा। तो कहते इसलिए देखो वर्णाश्रम अभिमान शून्य से अधिकार प्रतिपत्ति अभाव, तादृश अनुष्ठेय धर्मों में यागादि धर्मों में उसके अधिकार की प्राप्ति ही नहीं रह गया। प्रतिपत्ति भावाद यागादि प्रवृत्ति नाम अविद्या लेशतो जायमाना नाम, इन यागादियों में प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, वो कैसे दिखाई दे रही है अविद्या लेशतो कह दिया, अविद्या लेश की वजह से उस तत्ववेत्ता उसके अपने क्षत्रिय क्या करे सन्यासी तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए वो अग्नियोत्र कर रहा है, लेकिन तत्व ज्ञानी है, अविद्या लेश शरीर है, शरीर की वजह से और वर्णाश्रम धर्मानुसारेण उसको प्राप्त कर्मों को कर रहा है, असल कर रहा है नहीं करना चाहिए, हो रहा है अभ्यासात हो रहा है, वो करना है हो रहा है चल रहा है, अब उसको जो है आप उन कर्मों के साथ समुच्चय ज्ञान को मोक्ष के प्रति नहीं कर सकते, क्यों क्योंकि वे जो जायमान कर्म कैसे हैं कर्माभासत्वात, क्योंकि सब वास्तव में कर्म नहीं वह कर्माभास है। अतएव कुर्या विद्वांस तथा आसक्त चिकीर्ष और लोक संग्रह श्लोक के आधार पर आप जो इस वाक्य को लेकर के न समुच्चय प्रापकम ज्ञान के समुच्चय का प्रापक कहते रहे और वास्तव में समुच्चय का प्रापक नहीं हो सकता। वा शब्दश्चार्थे द्वितीयस्तु विविदिशा वाक्यस्थ साधनांत संग्रहार्थ वा शब्दश्चार्थे, वा शब्द गाया वा है ना यस्तु
अज्ञानात रागादि दोषतो वा, अज्ञानात रागादि दोषतो वा कर्मणि प्रवृत्तस्य यज्ञेन दान तपसवा विशुद्ध सत्वस्य इत्यादि जो कल जो पंक्ति हमने पढ़े थे शुरू में इस पूर्व पक्ष का, उसमें है वा। वहां भी दो वा है, है? दो वा शब्द आया है। पहले वाले वा शब्द का अर्थ कर रहे हैं क्या, कहते हैं कि चार अर्थ में ले लेना उसको, चार अर्थ में। और दूसरी वाली वा है दानी ने तपसा वा विशुद्ध सत्वस्य, वहां जो वा है द्वितीय से तो कहते हैं द्वितीय तो विविदिशा वाक्यस्थ साधनांतर संग्रह अन्य विचित्र साधन विदिशा वाक्य यज्ञ ने दान तपसा अनाशक्य न, है ना, यज्ञ ने दान तपसा अनाशक्य न शब्द है, वो भी जोड़ लेना यहाँ पे। यहाँ यज्ञ दान तप ही नहीं लिया, वहां से अनाशक्य न भी जोड़ देना, उसको विविदिशा वाक्य कहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद का उस वाक्य को विविदिशा वाक्य कहा जाता है, यज्ञ ने दान तपसा अनाशक्य न ब्राह्मणा विविदिशंति, ये पंक्ति है वहां मंत्र है। उस वाक्यस्थ शेष साधनों को यहाँ जोड़ लेना, ऐसा कह दिए। सांसारिकम ज्ञानम व्यावर्तयति, यह सांसारिक ज्ञान की बात हम नहीं कर रहे हैं। व्यावर्तयति परमार्थेति, परमार्थ तत्व विषयम एकमेव इदम सर्वम ब्रह्म अकर्तृ चेति भाष्य में था, तदेव अभिनयति एकमेव इति प्रवृत्ति रूपम इति रूप ग्रहणम आभासत्व प्रदर्शनार्थम, जो भाष्य में था आज जो पढ़ रहे थे हम, यत प्रवृत्ति रूपम दृश्यते न तत् कर्म, यत प्रवृत्ति रूपम क्यों कहा, प्रवृत्ति आभासम इत्यर्थ, रूप का अर्थ वहां आभास, कर्माभास समुच्चयस्तो यादृच्छिकत्वात् न मोक्षम फलेति इति शेष, क्योंकि कर्माभास का समुच्चय तो यादृच्छिक है, क्योंकि ये करे न करे इसे कोई भरोसा नहीं, अविद्या लेश से प्रार कर्म के अंदर है तो करेगा, नहीं तो नहीं होगा, सब कुछ प्रार कर्माधीन है, करना कोई जरूरी करेगा ही या निश्चय नहीं, करना जरूरी भी नहीं, और हर एक तत्वज्ञानी कर्म करता ही है ये भी नहीं कह सकते आप, उसके प्राण कर्म जैसा है उस पर निर्भर होता है, उनके शरीर से कौन से कर्म होंगे, आप श्रौत कर्म भी हो सकते हैं, स्मार्ट कर्म भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, यादृच्छिक है वहां, अतएव उनको लेकर के आप समुच्चय मोक्ष के प्रति ज्ञान के साथ समुच्चय करना असंभव है। नियत होता तब तो समुच्चय कर भी देते, यदि नियत होता कि हर एक तत्व ज्ञान का प्रारंभ कर्म में अवश्यम भावी कर्म है, श्रवण स्मार्त कर्म अवश्य रहेगा प्रारंभ कर्म के अंतर्गत, और अतएव उन प्रारंभ कर्मांतरवर्ती सकल श्रवण स्मार्त कर्मों के से समुचित ज्ञान ही उसको मोक्ष देता है, ऐसी व्यवस्था तब हम करते जब निश्चय होता वस्तु व्यक्ति के प्रारंभ कर्म के स्वरूप का निश्चय होता। लेकिन तत्व ज्ञानियों की विलक्षणता देखी जाती है संसार में, कोई तो पागल जैसे रहता है, उन्मत्तवत बालवत जड़वत अजगरवत, अलग अलग प्रकार के हैं, यहाँ कोई भरोसा है नहीं, जैसे पंचदश पठंतु वा शास्त्राणि, भले पढ़ाने और उनकी प्रार्थ में ऐसे तो पढ़ावे, हमारा क्या जा रहा, दूसरा क्या था, दूसरा ब्रह्मज्ञानी, एक ब्रह्मज्ञानी दूसरे ब्रह्मज्ञानी दृष्टिकोण से क्या व्यवहार है, भले वो पढ़ा रहा है तो पढ़ाने में हम भी पढ़ा, कोई जरूरी है क्या, उसके प्रारंभ क्रम ऐसा है हो रहा है, हमारा प्रारंभ क्रम बैठे रहना चुपचाप है तो बैठे रहेंगे, अजगरवत रहेंगे, किसी प्रारंभ क्रम परिव्राजक पर घूमते रहना है, प्रवचन करते रहना है, करते रहेगा, करने दो उसको, जिसका जैसा है प्रारंभ क्रम ऐसा ही है वैसा ही है, कुछ नहीं कह सकते प्रारंभ क्रम के बारे में, निर्भर होता है अनेक जन्मों में किस प्रकार से वह ब्रह्माभ्यास के लिए ब्रह्म साधना किया है उस पर निर्भर है, सहयोगी क्या क्या लिया उसने, उपासनाओं को करते हुए ब्रह्माभ्यास करता रहा, कर्म करते हुए ब्रह्माभ्यास करता रहा, और अंत में अंतिम जन्म उसकी प्रार्थना किस स्वरूप को धारण किया है उस पर निर्भर है, वो लोक संग्रहार्थ कुछ कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, इसलिए कहते हैं यह अनिश्चित है। यादृच्छिकत्वात् शब्द कर दिया, यादृच्छिकत्वात् न मोक्षम फलेति इति शेषः, किंच ज्ञानिनो यागादि प्रवृत्तिर् न ज्ञानेन तत्फलेन समुच्यते, न ज्ञानेन तत्फलेन च समुच्यते फलाभिसन्धि विकल प्रवृत्तित्वात् अहंकार विधुर प्रवृत्तित्वाद्वा भगवत प्रवृत्तिवत् इत्याह। किंच दूसरी बात यह है, ज्ञानी का यागादि में जो प्रवृत्ति है वह ज्ञान के साथ या फल के साथ में समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि फलाभिसंधि विकल है वो, रहित है वो, फलाभिसंधि रहित प्रवृत्ति होने से और
अहंकार आदि का भाव विशिष्ट प्रवृत्ति होने से, जैसे दृष्टांत क्या है भगवान के समान, और किसको दृष्टांत बनाया जाए, इसे कह दिया भगवान के समान। हेतुद्वयस्य असिद्धिम आशंक्य परिहरति, हेतुद्वय का सिद्धि का आशंका करके परिहार करते हैं तत्वविदिति, तत्वितो नाहम करोमीति, है ना, वो ले लेना। कूटस्थम ब्रह्मैव अहम् इति मन्वान् विद्वान प्रवृत्तिम तत्फलम वा नैव स्वगतत्वेन पश्यति रूपादिवत् दृश्यस्य दृष्टिधर्मत्व योगात्। जैसे कहते हैं कि रूपादि है, दृश्यगत रूपादि को क्या दृष्टा अपने अंदर मान लेता है क्या? लाल फूल देखा और अपने हो मैं भी लाल रंग का हूं, ऐसे मानेगा कोई? नहीं मान सकता। उसी प्रकार से कहते हैं बाह्य जो है कूटस्थम ब्रह्मैव अहमिति मन्वान् विद्वान प्रवृत्तिम तत् फलम वा प्रवृत्ति हो चाहे फल को नैव स्वगतत्वेन पश्यति, स्वगतत्वेन वो कभी नहीं देखता। मूढ़ ही उल्टा करके देखता है ना, कर्मणि अकर्म, अकर्मणि कर्म कौन देखता है? अज्ञानी ही देखता है। बल्कि देखना क्या चाहिए वास्तव में, उसको दूसरे ढंग से व्यर्थ घटा देंगे। जहां कर्म दिख रहा है वह अकर्म समझो। कर्म कहां दिख रहा है आपको? आत्मा में। ये तो कर्म मैं करता हूं कहते हो, और क्या कर रहा है? शरीर तो चुपचाप बैठा है, मैं ध्यान करता हूं, शरीर तो कुछ नहीं कर रहा है। अकर्म कहां दिख रहा है? शरीर में। इन वास्तव में कर्म है शरीर में। अकर्म भूत आत्मा में कर्म को देखना गलत है, अकर्म भूत शरीर में अकर्म देखना गलत है। किंतु कर्म भूत शरीर में आप कर्म को देखिए, अकर्मात्मक आत्मा में अकर्म को देखिए। अज्ञानी जहां कर्म को देख रहा है वहां आप अकर्म को देखेंगे, और जहां अज्ञानी अकर्म को देखता है वहां आप कर्म को देखेंगे, विपरीत है। इसलिए कहते हैं वो अपने अंदर वो इसको देखता नहीं है, स्वगतत्व न पश्यति। दृष्टांत क्या है? रूपादि दृश्यस्य दृष्टि धर्मत्व योगात्, दृश्य रूपादि के समान दृष्टा का धर्म जैसा नहीं होता वैसे, किंतु कार्यकरण संघात गतत्व नैव, कार्यकरण गत, कार्यकरण क्या है? संघात, इसमें ही होता है सारा प्रवृत्ति आदि प्रतिपद्यते ततः। इसलिए उस तत्वविदः व्याख्यान भिक्षाटनादौ अहंकार से तृप्त्यादि फलाभिसंधेश्च आभासत्वात्। इसलिए वो जो पढ़ा रहा है, प्रवचन करता है, कथा करता है, व्याख्यान कर रहा है, और भिक्षाटन आदि भी जो प्रवृत्ति दिख रही है वहां भी क्या है? अहंकारस्य तृप्त्यादि फलाभिसंधेश्च आभासत्वात्। वहां किंचित जो अहंकार दिख रहा है या किंचित जो कुछ प्रवृत्ति दिख रही है, तृप्ति आदि फल दिख रहा है, वो सब आभास मात्र ही है, न असिद्धम हेतुद्वयम् इत्यर्थः। इसलिए हमारे द्वारा जो हेतुद्वय है कर्म ज्ञान के असमुच्चय के प्रति, वह असिद्ध नहीं है। ननु ज्ञानोदय प्रागवस्थायाम इव उत्तर काले प्रतिनियत प्रवृत्त्यादि दर्शनात् न तत्व दर्शनिष्ठ प्रवृत्त्यादेर आभासत्वम् इत्याह। तब कोई कहे ज्ञानोदय से पहले अवस्था में जैसा था उत्तर काल में वैसे ही रहता है प्रवृत्ति आदि, तो फर्क तो कुछ नहीं दिखता है ना। ये नहीं कि ज्ञान से पहले हाथ से मुंह में खाता था, अब कैसे खाएगा, कुछ और ढंग से खाएगा क्या? इतना है हम भी मजाक करते खाते थे, नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, पहले वो हाथ से खाता था अब सोने का चम्मच से खाएगा, बड़े मंडले सब लोग खाते हैं, ब्रह्म ज्ञान लोग है ना, श्रोत्रपनिष्ठ लोग होते हैं वो लोग क्या करते, चांदी का चम्मच सोने का चम्मच से खाते, हाथ से नहीं खाते। ऐसे मजाक करने वाली बात है, लेकिन वह सच्चाई में क्या है? तो कहते कि देखो वास्तव में प्रक्रिया क्रिया में कोई अंतर नहीं। शिवान जी बोलते थे, कहते थे कैरिंग चॉपिंग वुड एंड कैरिंग वाटर बिफोर एनलाइटनमेंट एंड आफ्टर एनलाइटनमेंट। आत्म साक्षात्कार से पहले भी हम जंगल जाते शौच करने और लकड़ी काट के लकड़ी साथ में ले आते थे, लाके रसोई कर रख दिया, फिर नीचे जाते गंगा जी नहाने, वहां से गंगा जल ढो के लाते थे ऊपर मंदिर पे। यह परंपरा रही, उन्होंने अपने चेलों को सबसे कराते थे, जाओ जंगल में शौच करने और नीचे जाओ यहाँ, फिर वहां से गंगा जल लो, फिर एक बाल्टी व टंकी में डालना रसोई के बगल में, और मंदिर में भी एक टंकी डालना पड़ेगा, एक आदमी यहाँ डाले एक बैल वहां डालता था, दोनों टंकी भरना है। तो क्या चॉपिंग वुड एंड कैरिंग वाटर बिफोर एनलाइटनमेंट एंड आफ्टर एनलाइटनमेंट, देन व्हाट इज द डिफरेंस?
बिफोर आई वॉज डूइंग बट नाउ इट इज हैपनिंग। पहले मैं करता था और अब हो रहा है, ये अंतर है। ये अंतर को समझाने के कह रहे हैं पूर्व पक्षी ने कहा, नहीं पहले जैसे दिख रहा है ना, इसलिए उसको आभास नहीं मानना चाहिए दिखाई देने के कारण से। पूर्व पक्ष कहता है ज्ञानोदय से पहले जैसे दिखाई था, जैसे था वैसे उत्तर काल में भी होने से प्रतिनियत प्रवृत्ति है, दर्शनार्थ प्रतिनियत प्रवृत्ति है, जैसे पहले था बिल्कुल वैसी के वैसी है, किसी भी प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। न तत्व दर्शन निष्ठ प्रवृत्ति आदि है आभास, तुम तत्व दर्शन निष्ठ प्रवृत्ति आदि को आभास अपनी कह सकते। तब दृष्टांत समझा दिया काम्य अग्निहोत्र का, यथा इत्यादि से, जैसे पहले वह कर्म काम्य था वही बाद में अकाम्य होकर अंतकरण शुद्ध हो गया। तत्व की प्रवृत्ति भी पहले सत्य था और अब आभास हो गया। स्वर्गादि रेव, स्वर्गादि रेव, स्वर्गादि रेव काम्यमानत्वात् कामः तदर्थिनः स्वर्गादि कामस्य अग्निहोत्रादेर अपेक्षित स्वर्गादि साधनस्य अनुष्ठानार्थम अग्निम आधाय व्यवस्थितस्य। स्वर्गादि रेव काम्यमानत्वात् कामः, स्वर्गादि काम्य होने से स्वर्गादियों को हम क्या शब्द से बोलते हैं, कामः। तस्य अर्थी इति तदर्थी तदर्थिनः, उसको चाहने वाला तदर्थिनः। स्वर्गादि कामस्य, स्वर्गादि कामनाओं का अग्निहोत्रादि अपेक्षित स्वर्गादि साधनस्य, स्वर्गादि काम के प्रति अग्निहोत्रादि में अपेक्षित स्वर्गादि की साधनता है, ये श्रुति से ज्ञापित है। अनुष्ठानार्थम अग्निम आधाय, इसलिए उसको अनुष्ठान करने के लिए क्या करता है वो, अग्नि का आधान करके। व्यवस्थितस्य, व्यवस्थित आदमी है। तस्मिन् एव कामे कर्मणि प्रवृत्तस्य अर्धकृते, उस काम करने प्रवृत्त हुआ व्यक्ति के अंदर अर्ध करने पर आधा कर्म होगा, इतने में बीच में क्या हो गया, केनाप हेतु न कामे विनिष्ठे, पता नहीं कोई हेतु आ गया, किसी कारणवश क्या हो गया, उसकी कामना नष्ट हो गई। केनापि हेतु न कामे विनिष्ठे तदेव अग्निहोत्रादि निर्वर्तय, तो उन्हीं अग्निहोत्रादियों को वो संपादन कर रहा है, अनुष्ठान कर दे रहा है, करने पर भी न तत् काम्यम भवति, अकाम्य नहीं होता, किंतु नित्य कर्म विभाग से स्वाभाविकत्व भावा, क्यों कि नित्य और काम्य का जो विभाग है वह स्वाभाविक नहीं है, इसलिए अंगों में अंतर नहीं पड़ता। अग्निहोत्र नित्य अग्निहोत्र भी है, काम्य अग्निहोत्र भी है, नित्य दर्श पूर्णमास भी है, काम्य दर्श पूर्णमास भी है, उनके अंगों में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब क्या, कर्म में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, केवल संकल्प में फर्क पड़ गया। इसे नित्य और काम्य कर्मों के स्वरूप में वास्तव में क्या है विभाग का, स्वाभाविक विभाग कुछ भी नहीं है, स्वाभाविकत्व भावात् कामोपबंध अनुपबंध कृतत्वात्, इतना ही अंतर है। काम से उपबद्ध है तो काम ही नाम रख देंगे उसी कर्म को, और काम से उपबद्ध नहीं है वो अकाम या नित्य आदि नामों से रख दिया जाता है। तथा विदुषोपि विद्याधिकाराभावा, इसलिए विद्वान के अंदर के भी कर्मों में विद्यादि का अधिकार उसको है नहीं, इसे यागादि प्रवृत्ति नाम कर्माभासता, यागादि प्रवृत्तियों में कर्माभासता मानी जाएगी। विद्युत प्रवृत्ति नाम कर्माभासत्वम इत्यत्र भगवत अनुमतिम उपन्यस्यति, भगवान की अनुमति इसमें है इस बात को दिखा रहे हैं। तथा च दर्शयति भगवान कुर्वन् नपि न करोति न लिप्यते इति तत्र तत्र। नन्न विद्युत व्यापार भी कर्म शब्द प्रयोग दर्शनार्थ, तद व्यापार से कर्माभासत्व उत्पन्न है, लेकिन समस्या है जो विद्वान जो कार्य कर रहे हैं उसको भी कर्मी तो कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे, कर्म कर रहे हैं, काम कर रही है, हर इतने बड़े आदमी होकर कैसे कैसे काम कर रहे हैं, लोग ऐसे बोल देते हैं, बगीचा में बैठे हुए हैं, झाड़ू मार रहे हैं, घास उखाड़ रहे हैं, पत्थर भी उठा रहे हैं, मैंने क्या क्या करते हैं, कैसे है ये, अब उनको तो कर्म दिख रहा है ना, वो उनको कर्म दिख रहा है, इसीलिए आप कैसे उसको कर्माभास कह दे रहे हो, सारी दुनिया उसको कर्म दृष्टिया देख रही है और आपका जो कर्माभास है वो। तब पूर्व पक्ष जवाब देते हुए हैं, इसीलिए उन कर्मों का समुच्चय माननी चाहिए, जब सारी दुनिया उसको कर्म कह रही है तो कर्म कर ही रहा है, ज्ञान अभ्यास भी चल रहा है, कर्म और ज्ञान दोनों चल रहा है उससे, इसे कर्म ज्ञान समुच्चय से मोक्ष होते सिद्ध हो गया। इत्याह यच्च पूर्वई पूर्वतरं कृतम्।
कर्मणैव हि संसिद्धिम् आसिता च नकादयः इति तत्त्व प्रविभज्य विज्ञेयम्। इन मंत्रों को विभाग पूर्वक सही सही समझना चाहिए। संसिद्धि शब्द का अर्थ भी सम्यक समझो। यहाँ पर अभी आपको बहुत सुंदर ढंग समझाएंगे। संसिद्धि का शब्द सीधा मोक्ष नहीं लेना, मोक्ष अर्थ भी एक पक्ष है, इसे विभज्य कह दिया। कहाँ कैसे लेना है ये विवेक करना पड़ेगा, इसको समझा रहे। तत्व विभज्य विज्ञेयम्, विभाग करके इसको सही सही जानो। जनकादि जो तत्ववेत्ता प्रवृत्त कर्म वाले हैं होने पर भी वो आवश्यक अतत्विद हैं, वे तत्विद हैं या अतत्विद हैं, ऐसे विकल्प से समझना पड़ेगा। प्रवृत्त कर्म वाले होने के कारण उनको तत्वित मानना चाहिए या अतत्वित मानना चाहिए, ये विकल्प करके समझना है। ज्ञान कर्मण सुविचित्य संसिद्धि हेतुत्व प्रतिपन्ने कुतो विभज्यार्थ ज्ञानम यदि पृच्छति तत्कथम। तो प्रश्न उठा वो कैसे हो सकता है, किम जनकादि तत्वविद प्रवृत्त कर्माण स्यु आहोस्विद अतत्विद इति विकल्प्य प्रथमं प्रत्याह। पहला पक्ष है तत्वेत्ता होते हुए भी प्रवृत्त कर्म वाले थे, दूसरा पक्ष है अतत्विद होने के नाते ये प्रवृत्त कर्म वाले थे। उसे पहला पक्ष का जवाब मूल में, यदि तावत पूर्वे जनकादिस्तत्वविदोपि प्रवृत्त कर्माण स्यु ते लोक संग्रहार्थम गुणागुणेश वर्तति च ज्ञानेनैव संसिद्धिम् आसिताः कर्म संन्यासे प्राप्तेपि कर्मणा सहैव संसिद्धिम् आसिता न कर्म संन्यासं कृतवन्त इति एषो अर्थः। पहला पक्ष में पूर्वे जनकादयः तत्त्वविदोपि तत्त्ववित्त होने पर भी प्रवृत्त कर्म वाले होने से प्रवृत्त कर्माण स्यु ते, दो हेतु हो सकते हैं, लोक संग्रहार्थम या तो लोक संग्रहार्थ कर रहे थे, एक छात्र धर्म है वह पालन कर रहे हैं, गुणागुणेश वर्तन्ते ज्ञाने नैव संसिद्धि मासताः इति च, अलग कर दो गुणागुणेश इति च, तो दो पक्ष है ना, लोक संग्रह के लिए या गुणागुणेश वर्तन्ते। फिर उन्हें मोक्ष कैसे प्राप्त किया, ज्ञाने नैव संसिद्धि मासताः, ज्ञान के द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त किए। तो संसिद्धि का कर्म क्यों कर रहे हैं, फिर कर्म संन्यास होना चाहिए, कहते नहीं, कर्म संन्यास प्राप्त भी कर्मणा सहैव संसिद्धि मास्ता, कर्म संन्यास का प्राप्त होने पर भी कर्म के साथ में संसिद्धि को उन्होंने प्राप्त किया है, न कर्म संन्यास कृतवंत, न कर्म संन्यास नहीं किया है, ऐसा पहला पक्ष में अर्थ ले लेना। अथ न ते तत्वविद, दूसरा पक्ष है या तो उनको तत्ववित मत मानो, ईश्वर समर्पिते ने कर्मणा साधन भूत ने संसिद्धि सत्व शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति लक्षणाम वा संसिद्धि आस्तिता, अथवा ये अर्थ ले सकते हैं, अथवा नते तत्विदा, वो तत्ववित्ता ही नहीं थे और कर क्या रहे थे, फिर वो उनको बड़े ज्ञानी माने जा रहे हैं, ले वास्तविक स्थिति स्थिति ईश्वर समर्पित कर्म के द्वारा साधन भूत के कर्म के द्वारा वह संसिद्धि का अर्थ सत्व शुद्धि। कैसी सत्व शुद्धि हो भी, केवल अंतरण शुद्धि नहीं, ज्ञानोत्पत्ति लक्षणां सत्व शुद्धि, ज्ञानोत्पत्ति रूपा अथवा ज्ञानोत्पत्ति रूप संत सत्व शुद्धि को उन्होंने संसिद्धि को प्राप्त कर लिए थे। जनकादिति व्याख्या, ऐसे व्याख्यान कर लेना चाहिए। कहते ऐसे कैसे व्याख्यान कर दोगे हम, दूसरा पक्ष तो बड़ा कठिन मानना, जनकादि के प्रति लोगों की अपनी एक अलग कल्पना है और आप ऐसा कह दे रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। कहते हैं स्वयं भगवान ने कहा है ना, स्वकर्मणात्मभ्यर्थ्य सिद्धिम, वहाँ सिद्धि में संसिद्धिम सब उपसर्ग तो जोड़ा है। एतमेव अर्थम वक्ष्यति भगवान सत्व शुद्ध कर्म कुर्वन्ती इति, यही अर्थ को कथन करेंगे भविष्य में 18वें अध्याय में, भगवान सत्व शुद्धि के लिए कर्म करते हैं लोग, स्वकर्मणात्मभ्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव, हाँ 18वें 46वां श्लोक। अच्छा, विन्दति मानव इत्युक्त्वा सिद्धिं प्राप्तस्य च पुनर्ज्ञान निष्ठा वक्षति, और ऐसे पहले क्या किया भगवान ने, सिद्धि को बता दिया, वो व्यक्ति अंतरण शुद्धि को प्राप्त करता है, प्राप्त करने के बाद क्या बता रहे, ज्ञान निष्ठा को अलग से बताया है, प्राप्तस्य ज्ञान पुनः ज्ञान निष्ठा वक्षति सिद्धिं प्राप्त यथा ब्रह्म इत्यादि, वही आगे तस्मात् गीतासु केवला देव तत्व ज्ञानात्
मोक्ष प्राप्ति न कर्म सूचिता निश्चितो अर्थः। इसलिए संपूर्ण गीता शास्त्र में केवल तत्व ज्ञान से मोक्ष को कथन किया हुआ है और कर्म समुचित ज्ञान से नहीं, ये निश्चित पदार्थ हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा तत्वित्व कथम प्रवृत्ति कर्मत्व कर्म नाम किंचित कर्तव्य इत्याशंक्य ते लोक संग्रह लोक संग्रहार्थम। यदि तत्वित्ता है फिर प्रवृत्ति कर्म कैसे हो गए वो, तब कहते लोक संग्रह के लिए मान लो। तेषां उक्त प्रयोजनार्थम अभी न प्रवृत्ति युक्ता, यदि कोई कहे लोक संग्रह के लिए भी उनमें प्रवृत्ति मानना उचित नहीं है, भाई भगवान थोड़ी अवतार थोड़ी ले रहे, चित्र ब्रह्म ज्ञानी इस अवतार है क्या, लोक कल्याण राक्षसों को मारने या किसी और काम से आए यहाँ पे, ये तो है नहीं। इसे हर एक ब्रह्म ज्ञान की ज्ञानी के अंदर जन क्या कर रहा था, बैठे जो राजा था वो तो भोग कर रहा, वो कौन से अवतार है, कौन से राक्षस को मारने, कौन से धर्म स्थापना कर रहा है, उसको प्रवृत्ति कर्म हम क्यों माने। यदि कोई कहे गुणा गुणेश वर्तन्ते, तो दूसरा हेतु दे दिया न प्रवृत्ता सर्वत्रापि उदासीनत्व, क्योंकि ऐसा ब्रह्म ज्ञान तो क्या होता है, उदासीन उदासीनो हो उदासीन रहता है। तब जवाब देते हैं गुणा गुणेश वर्तन्ते, जो प्रार कर्म ऐसे था वैसे भोग भोग शरीर राजा बने रह करके मरना था, उसका भोग ऐसा था प्रार कर्म, इसलिए ऐसा पड़ा है। जैसे प्रार कर्म होता है उस पर निर्भर होता है, ये कहने का तात्पर्य। इसलिए कोई निश्चय नहीं ब्रह्मज्ञानी का प्रवृत्ति कर्मयी होना, कोई आवश्यक भावी नहीं है स्थापित होगा। इंद्रियाणां विशेष प्रवृत्ति द्वारा तत्वविदां प्रवृत्ति कर्मत्वेपि ज्ञानेनैव तेषां मुक्तिरित्याह, इसे इंद्रियों का विषय में प्रवृत्ति होने पर भी तत्ववेत्ता को प्रवृत्ति कर्म वाला जैसे दिखाई देने पर भी उस ज्ञान के द्वारा ही केवल मोक्ष होता है। उन इंद्रियों से विषय में प्रवृत्ति द्वारा निष्पन्न कर्मों की सहायता से नहीं। यदि ऐसा ही था तो इंद्रियों को प्रवृत्त होने क्यों दिया, ब्रह्मज्ञानी होकर के इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, प्रग्रहवान न रहा, रस्सी पकड़ खेंच बैठ चुप। तब कहते हैं ऐसी बात नहीं है, कर्म संन्यास प्राप्ति अपी उक्तमेव अर्थ संक्षिप्त दर्शन कर्म यदि कर्म संन्यास प्राप्ति अपी कर्मणा सहैव संसिद्ध मास्ते, कर्मणा इत्यादो बाधितानुवृत्त्य आज्ञा ना बाधा सामने करने से बाधितानुवृत्त्य कर्म प्रवृत्त हो रहे हैं उनसे, बाधितानुवृत्त्य प्रवृत्त्याभास गृह्यते, बाधितानुवृत्ति के द्वारा प्रवृत्ति का आभास यह समझना चाहिए, वास्तव में वह प्रवृत्ति है ही नहीं, उसके दृष्टिकोण में न शरीर है न प्रवृत्ति है न इंद्रियां है न हम है न कुछ भी नहीं है, वो तो ब्रह्म ही भगवती है। ये नहीं, आप दूसरा पक्ष उठाते हैं अथा इत्यादि हैं, तत्र वाक्यार्थम कथित ईश्वरेति विभज्य विज्ञेयत्वं वाक्यार्थ से उक्तम उपसंहरति उसका उपसंहारिति व्याख्येयम् इति, कर्मणां चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान हेतुत्वम् इत्युक्त्यर्थे वाक्य शेषम प्रमाणयति। इसी अध्याय गीता के 18वें अध्याय के श्लोकों को प्रस्तुत किया है।